चुके राम तक, ठीक। और आज एक वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक ना कहते हो, भूगोलवेत्ता कह दो, भूगर्भ शास्त्री कह दो, ज्योग्राफर कह दो, ज्योग्राफर अच्छा नाम हो, भूगोलवेत्ता कह दो, उन्होंने हिमालय का विभाजन अपने लिहाज से करा, उनको कुछ अलग मानना था। जानना चाहते हो क्या करा, क्या करा उन्होंने, क्या नहीं करा? समझ में आया बात? या इसे ढंग ढंग से समझना अच्छे तरीके से, क्योंकि हो सकता है इस पेपर में टिप्पणी लिखने को आ जाए। समझ में आया? आज तक पिछले 2011 से लेकर ना 2022 तक, अब तक ठीक 23 चल जाएगा, अब तक यूपीएससी में हिमालय पर कोई सवाल नहीं पूछा, और मुझे चांस है तुम्हारे टाइम तक पूछना शुरू कर देगा 11 तक। पीसीएस ने सवाल छोड़ा नहीं, पीएससी, पीसीएस पक्का पूछा हुआ, यूपीएससी ने कोई सवाल नहीं निकाला हिमालय से। अगर हिमालय से सवाल निकाला ना, तो कहते हो सुनो हिमस्खलन, तो हिमालय पर हिमस्खलन हो, भूस्खलन हो, यहाँ से सवाल निकाला, उसके कारण और प्रभाव पर सवाल निकाला, उसका क्या कारण हो, वो तो मैं अपना में पढ़ा दूंगा तुम्हें क्या कारण हो। उसको कम करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए और प्रयास किए जाने चाहिए, ये तो मैं तुम्हें ऐसे पढ़ा दूंगा, ऐसे सवाल निकालना। क्योंकि पढ़ने का जो तरीका ना अपना, वो मेंस प्रोस्पेक्टिव तो होना चाहिए। मेंस प्रोस्पेक्टिव समझे तो मतलब केंद्र में मेंस को रख कर पढ़ना, ये पीली वाली में सब ऐसे दिखा देंगे तुम्हें चलते फिरते। समझ में आया बात? एक क्वेश्चन और देख रहा था मैं, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा था, जो पश्चिम बंगाल का एक जिला, उसका नाम है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग नहीं दार्जिलिंग, दार्जिलिंग डूलिंग भूल जाओ, समझ में आया बात है? उसमें कह रखा कि जो दार्जिलिंग जिला ना, जो ये शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय पर चाय के बड़े बड़े बागान लगाए थे, गए थे जम्मू कश्मीर में भी लगाए गए थे, हिमाचल प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो दार्जिलिंग था, दार्जिलिंग ही सफल हुआ केवल? वो चाय का उद्यान है ना, चाय, चाय, चाय का जो व्यापार ट्रेड, चाय, चाय का, वो केवल दार्जिलिंग में ही क्यों सफल हुआ? ऐसे कौन कौन से कारक, क्योंकि चाय, चाय के क्षेत्र में उत्तराखंड वो भी पीछे रह चुका था, हिमाचल प्रदेश वो भी पीछे रह चुका था, समझ में आया बात है? और जो जम्मू कश्मीर है वो भी पीछे रह चुका था। लेकिन ऐसा फिर क्या था पश्चिम बंगाल के अंदर जो दार्जिलिंग, वहीं ऐसा क्यों था कि वो क्षेत्र हमेशा उभरता चला गया, वे कौन कौन से कारक, उन कारकों का वर्णन करना। समझ में आया बात है? तो वही एक कारक नहीं है, बहुत सारे कारक कि वहीं बिगड़ गया। क्यों? एक तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पहला कारक बताने जा रहा हूँ मोटे मोटे तरीके से, 2013 के आसपास या 13 या 11 के आसपास का क्वेश्चन होगा, देखना जरूर, भेज देना हो, ठीक। तो इस तरह का सवाल ऐसे पूछे हुए पेपर में, इस तरह टच कर दो सवाल, समझ पाए? तो सिंपल तरीके से कोई सवाल नहीं पूछा हुआ, जितने में तुम लोकेशन ये पढ़ाई गई ना, यहाँ से हमेशा रिलेट करके सवाल पूछेगा, ठीक। और जब तक तुम्हारा पेपर आने, नंबर आने वाला ना, तो तुम आराम आराम से वो इस सीमा तक पहुँच जाओगे, आराम से सबका उत्तर निकालो, ऐसा सवाल पूछा हुआ। तो एक कारक ये, इसका कारण ये था कि दार्जिलिंग के अंदर ही यहीं क्यों चाय का विकास हुआ, समझ आई बात है? चाय एक तो यहाँ नंबर फर्स्ट एक जलवायु कारक, जलवायु कारक, वहाँ की मिट्टी अधिक उपजाऊ है, वहाँ की मिट्टी इतनी अधिक ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ नहीं है, ये पहला कारक, समझ में आया बात? या यहाँ जो अधिक मात्रा में इधर वाले भाग पर, ये अधिक ऊंचाई पर, ये थोड़ा कम ऊंचाई पर, इधर वाला भाग ये थोड़ा अधिक ऊंचाई पर, ये थोड़ा इधर वाला भाग ना, ये थोड़ा कम ऊंचाई पर, समझ में आया बात? या इसलिए जो वहाँ, यहाँ का जो ढलान है वो अधिक मात्रा में तीव्र, और यहाँ के जो ढलान है ना वो कम मात्रा में तीव्र, इसलिए वहाँ ना चलना फिरना आसानी भी है, सुविधा भी हो। दूसरे नंबर पर ये बंगाल और बिहार के पास भी है वाला इलाका, लेबर है ना, लेबर वो बहुत सस्ते मिल जाती है, इधर लेबर भी नहीं मिलता, वहीं क्यों फूला फूला चाय का व्यापार, वहीं क्यों फूला फूला, ऐसे सवाल पूछे हुए। तो कुछ ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछता कि शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय पर चाय का आविष्कार हुआ, समझ, जो चाय, चाय और कॉफ़ी, ये इसमें दार्जिलिंग जिला ही क्यों वो क्षेत्र में आया, पहला कारक बताया जलवायु कारक मैंने तुम्हें, दूसरा कारक बताया लेबर कोस्ट वाला, तीसरा कारक पता क्या है उसकी ना कंडीशन ही ऐसी, उसी जियोग्राफिकल जो स्थिति है ना, जियोग्राफिकल कंडीशन उस स्थिति उसकी, जो उसकी भौगोलिक स्थिति, वो ऐसी जगह उस समुद्र के पास है, वहाँ तो ना चाय को निकालना और बनाना और यहाँ से व्यापार करने में बहुत आसानी होती है, समुद्र राजस्थान के पास है। तो इस तरह करके बहुत सारे कारण थे, समझ में आया बात? या यही कारण था कि जो दार्जिलिंग जिला था ना, वो हमेशा अव्वल क्षेत्र में चला गया चाय के क्षेत्र में। ऐसे यूपीएससी में सवाल पूछे हुए कि 18वीं सदी में, जब यहाँ ना अंग्रेजों का शासन था, 18वीं सदी में, 17वीं शताब्दी में अंग्रेज आ गए थे यहाँ, 1600 के आसपास, उसे बोलते हैं 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी उनकी रही, जो 19वीं शताब्दी उसमें कुछ क्षेत्र, कुछ समय तक उन्होंने राज करा 19वीं शताब्दी, जानते हो, ठीक। तो 18वीं, तो कम लगभग 200 साल राज करके, 150 से 200 साल के आसपास राज करके, तो 18वीं शताब्दी के आसपास यहाँ चाय का आविष्कार हुआ, बाहर से यूरोप से बीज लाते थे, यहाँ डालते थे, उन्होंने यहाँ भी कोशिश करी, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में भी, हर जगह कोशिश करी, लेकिन हर जगह ऐसा सफल हुए। सफल कहाँ हुए? दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में। क्यों सफल हुए? एक कारक, कोई एक कारक नहीं, अनेक कारक, जलवायु कारक भी है, लेबर कॉस्ट भी आता है, लेबर कॉस्ट का मतलब जिस श्रम वो बहुत सस्ता था,
समझ में आ बात है। अब यहाँ के लोगों के रेट हाई थे, वहाँ के लोगों के रेट थोड़े हाई थे, यहाँ एक मजदूर को आवाज़ मारे थे ना, आए समझ में, तो चार परे गुजारते, यहाँ एक को आवाज़ मारे थे ना, आठ इधर हुआ होते, तो फर्क तो पड़ता ही था, समझ में आ बात है। और दूसरा जलवायु का रख भी थे, वहाँ की मिट्टी इसके अनुकूल थी, यहाँ की मिट्टी इसके अनुकूल नहीं थी, समझ में आ बात है। ठीक, और भी बहुत सारे कारण थे। ठीक, और दूसरा उसकी जो स्थिति, वो तो छोटा छोटा फैक्ट बता दिया मैंने तुम, ऐसे सवाल पूछे हुए। अभी सवाल उस टाइम पे ही क्यों पूछा होगा, क्योंकि चर्चाओं में होगा, चाहे तो संबंधित जो व्यापार होगा ना भारत का, क्या तो घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा, समझा, हो सकता है ये यहाँ जो जिला वो चर्चाओं में होगा उसी साल के, एक डेढ़ दो साल के आसपास, और वो अगले दिन ही उसके बेंच में पूछा, इसलिए वही पूछा सवाल, समझ में आया। इसलिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसे दूसरी भाषा में तुम एडिटोरियल कहते हैं, जो आजकल चर्चाओं में रहता है, वही सवाल पूछ लो उसका भी। चलो समझे, अब हम समझाने जा रहे तुम कि देखो, सिडनी ब्रूनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक को या भूगोलवेत्ता को या ज्योग्राफर को, उन्होंने क्या करा, सिडनी ब्रूनर ने जो हिमालय था ना, ये हमारा हिमालय, ये रहा हमारा हिमालय, कौन सी पर्वत श्रेणी है ऊपर की, हिमालय पर्वत जो श्रेणी है ना, उसे तीन भागों में बांटा गया, हिमालय पर्वत श्रेणी को, नामचा नंगा पर्वत से लेकर ना नामचा बरवा पर्वत तक, ये बांटा गया, कितना कितने भागों में बांटा गया, ये पूरा ये यहाँ तक फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर की लंबे में फैला हुआ है हिमालय पूरा का पूरा, ये हिमालय की ना सबसे ऊपर की जो शाखा, जिसे हम बरहद हिमालय कहते हैं, बरहद बड़ा हिमालय, ऊंचा ऊंचा हिमालय, महान हिमालय भी इसे कहते हैं, महान हिमालय, बीच वाला मध्य निम्न या लघु हिमालय, उसके बाद ये शिवालिक हिमालय, इसकी चौड़ाई इधर ज्यादा, इधर इसकी चौड़ाई कम हुआ, समझ में आ बात या, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर इसकी चौड़ाई लगातार घटती है, संकीर्ण होता चला जाता, ये हम जानते हैं, समझ में आ बात या। अब देखो उनका विभाजन करने का तरीका इस प्रकार था, अलग टाइप का था, मैं कुछ क्वेश्चन ही पूछूंगा और तुम इसका उत्तर निकालना और मुझे बताना इसका उत्तर क्या हो सकता होगा, समझ में आ बात या, मैं उनका उत्तर नहीं बताऊंगा, तुम्हारी खोज करनी होगी उनकी, समझ में आ बात है, मैं ही बता दूंगा सारी चीज़ें, तुम दिमाग कहाँ लगाओगे, सर्चिंग करना सीखो अच्छे अच्छे तरीके से, समझ में, गूगल में बहुत ज्ञान छिपा हुआ। चलो आ जाओ, तो ना सिडनी बुराड वैज्ञानिक का क्या मानना था, सिडनी बुराड नाम देखो लिखा हुआ, सिडनी बुराड, बुरंडनी बुराड, सिडनी बुराड, ठीक, इन्होंने ना नदियों के आधार पर बताया, क्यों कह रहे जी हिमालय ना भाई, एक काम करो इसमें ना अतीत काल थे, हिमालय तो अभी बना है, हिमालय तो बच्चा, हिमालय कुछ नहीं, हिमालय बच्चा, यही ना लिख दियो उत्तर में, हिमालय बच्चा, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए, हिमालय तो अभी नया नया ताजा ताजा पैदा हुआ, यहाँ अतीत काल में सैकड़ों नदियां बहा करती थी, जब 33 सागर था यहाँ, अब ये नदियां, उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, हिमालय का उत्थान हो रहा था, और जैसे हिमालय का उत्थान हो रहा था ना, ऐसे ऐसे हिमालय बन रहा था, बीच वाला भाग धीरे धीरे कटता जा रहा था, नदियां ने अपना रास्ता नहीं बदला, नहीं आए समझ में, हिमालय को उसके सामने हार माननी पड़ी, और एक जो भागने वाला बीच वाला भाग धीरे धीरे कटता चला गया, और यहाँ ना रास्ते बनते चले गए, और नदी ने अपनी घाटी घाटी में बहना स्टार्ट कर दिया, समझ में आ बात यार, जो हिमालय था भाई, हिमालय का उत्थान होता चला जा रहा था, लेकिन नदी ने अपना रास्ता ना छोड़ा बिल्कुल भी, अतीत काल में प्राचीन काल में यहाँ नदियाँ भाग करती थी, आज भी बहती है नदियाँ, समझ में आ बात यार, ये ना जो ऊपर वाले भाग को हम कौन सा भाग कहते हैं, गोंडवाना लैंड या अंगारा लैंड, अंगारा लैंड से माने, अंगारा लैंड से अतीत काल में सैकड़ों नदियां भाग करती थी, सैकड़ों नदियां, लेकिन कुछ चुनिंदा नदियां आज भी बहती है, समझ में आ बात है, कुछ चुनिंदा नदियां आज भी बहती है, अरे ये प्राचीन नदियां, उनका नाम भी बताना चाहिए तुम, समझ में आ बात है, मैंने ऊपर तक क्रम भी बताया था एक बार तुम, चलो और बताते हैं नदी के बारे में, एक दो चीज़ याद रखनी, नंबर फर्स्ट, एक तो कहाँ से निकली हुआ, उसका उद्गम कहाँ से हुआ, समझ नहीं बताया, उसका मुहाना कहाँ से, ये दोनों चीज़ हमेशा किसी भी नदी के बारे में, जब मैंने नहीं बताया ना तो सर्च कर लेना घर जाएगा, कुछ का मैं बता चलूंगा, कुछ का मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा इसके बारे में, बताऊँ तुम मुझे क्या होगा, ठीक है, देखते हैं नॉलेज यहीं तो चेक होगी तुम्हारा, और यू को मैं नदियाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं नदियाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं हिमालय का वर्गीकरण कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, सिडनी बुराड ने करके दिया, उसे समझा रहा हूँ, सिडनी बुराड ने, सिडनी बुराड के द्वारा बताया गया नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया, और उसने चार भागों में बांट दिया गया, कितने, हिमालय से अतीत काल, उनका मानना था हिमालय में अतीत काल से बहुत सारी छोटी 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 छोट, छोट, बड़ी बड़ी नदियां बहा करती थी, वे आज भी बहती है, तो उन नदियों के विभाजन, एक नदी इधर बहरी एक इधर बहरी, बीच वाला भाग एक भाग, एक नदी इधर एक बड़ी इधर नदी, अपने दिमाग में सेट कर लिया उसने, इधर इस वाले भाग को उसने अलग नाम दिया, एक नदी इधर इस भाग को अलग नाम दिया, इस तरह बांट दिया, नुकारा इसे मैं ये कहता हूँ, इसे मैं ये कहता हूँ, इसे मैं ये कहता हूँ, इसे कहता हूँ, अपने हिसाब से, और सही भी है गलत भी नहीं है, इतना बड़ा जियोग्राफर था, मजाक की बात थोड़ा ही है, लोगों को बात माननी भी पड़ी, समझ में आ बात है, और पूरी दुनिया ने माननी भी बात, ठीक है, अजो जाना चाहते हो क्या क्या करा, यहाँ मानसरोवर झील पड़ती है तिब्बत के अंदर, उसके बाद पास पड़ता है ग्लेशियर, उसका नाम है चेमायुंग ग्लेशियर,
उसके पास तक एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम सिंधु नदी। बता सकते हो तुम सिंधु नदी कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में जाती है, कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणी के बीच में जाती है? लद्दाख पर्वत श्रेणी और जैसकर पर्वत श्रेणी के मध्य बीच होते हुए ना ये सिंधु नदी आती है, और सिंधु नदी ना पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ ना एक जहाँ तक सिंधु नदी निकलती है भारत की सीमा पर, वहाँ एक गार्ज का निर्माण हुआ। गार्ज कोई एक आई आई प्रकार की घाटी हो इस तरह करके, पहले यहाँ पहाड़ था, पहाड़ था यहाँ, नदी आई काटी से, काटी से काट काट के छोटा छोटा और गहरा कर दिया था, काटती चली गई काटती चली गई और गहरा कर दिया, काटती चली गई काटती चली और गहरा कर दिया। इसे हम गार्ज बोलते हैं। गार्ज एक व्यक्ति ऊपर से खड़ा हो देख रहा होगा ना, उसे पानी का कलर भी व्हाइट कलर का दिखा देगा। इसे हम आई आकार की घाटी बोलते हैं, आई आकार की घाटी। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है ना, यहाँ एक गहरे गार्ज का निर्माण हुआ, गार्ज आई आकार की घाटी। अंदर से झाक कर देखो नहीं, बहुत गहरे तल में। ये काम ना नदी कब तक करती है? जब तक वो समुद्र तल को प्राप्त नहीं कर लेती। नदी ना हमेशा समुद्र तल को प्राप्त करना चाहती है, समझ में आया बात या? और अपनी घाटी को ना काट काट कर गहरा करती रहती है। तो जो सिंधु नदी ना फिर पाकिस्तान में चली जाती है ऐसा करके, समझ में आया बात? एक नदी बताइए, यह नदी कोई नई नदी नहीं है या आया समझ में? कोई नई नई हवेली दुनल नहीं है। चेमायुंग ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास से निकलने के बाद, चेमायुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद ये ना, हाँ जम्मू कश्मीर में होते हुए, जम्मू लद्दाख में होते, लद्दाख बोल लेंगे, लद्दाख में होते हुए यहाँ लद्दाख और जैसकर श्रेणी के बिल्कुल बीच में होते हुए और यहाँ सीधे पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान वाले ना, समझ में आया बात या, पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में जल उपलब्ध करवाती है ये सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो का नाम सुना? मोहनजोदड़ो जो नगर था सिंधु घाटी सभ्यता में, इसी किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो जो नगर था सिंधु घाटी सभ्यता में, 5,000 साल पहले लोग इस नदी के किनारे रहा रहा करते थे, इस सिंधु नदी की घाटियों के अंदर आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि मनुष्य को बचना कहाँ सुविधाजनक होगा, यही तो सुविधाजनक होगा। 5,000 साल पहले कोई सभ्यता का विकास हुआ था, पूरी दुनिया में सबसे पहली सभ्यता यहीं पनपी थी, तभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए यहाँ जब हम पूरी दुनिया में जाते हैं और ढिंडोरा पीटते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हमारे यहाँ पनपी था, यहाँ थी क्या कोई सभ्यता मनुष्य का जन्म हमारे यहाँ नदी घाटियों में हुआ? ये पता क्या कहते हैं फिर उनके इतिहासकार, हमारे यहाँ दजला फराक की घाटियों में हमारे यहाँ भी जन्म हुआ। दजला फराक की घाटियाँ इराक की घाटियाँ, ठीक, ईरान और इराक। तो यहाँ ना जो सभ्यता, सभ्यता एक कल्चर पूरा का पूरा, मनुष्य जैसी संस्कृति, शहरी सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता, शहर की तरह रहा करते थे लोग। 5,000 साल पहले उन्हें तमीज थी, उन्हें पता था कि नालियों को ढकना चाहिए, मलेरिया फैल जाता, मच्छर पनपने लगते हैं। उन्हें पता था जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा, पानी की निकासी कैसे करनी चाहिए, इतनी तमीज थी उसमें 5,000 साल पहले लोगों को, ऐसी व्यवस्था थी। कहाँ लुप्त होगी इतिहास में बताऊंगा, सब सबके अलग अलग फैक्टर, कहाँ चली गई कहाँ नहीं, किसी कुछ नहीं पता, पतन कैसा हुआ सभ्यता का 5,000 साल पहले। इतनी बेहतरीन सभ्यता थी हमारे यहाँ से, इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे, समझ में। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, सिंधु घाटी सभ्यता आस पास पनपने वाली, यहीं क्यों पनपी? यहीं से पनपी, पानी था ना, जहाँ जल वहाँ जीवन, जहाँ जल नहीं जीवन। इसके आसपास के क्षेत्रों में साक्षेस के ऊपर तक मिल रहे, यहाँ तक भी इसके देमामाद तक, देमामाद तक इसके साक्ष्य मिल रहे, इधर यूपी के आलमगीरपुर तक इसके साक्ष्य, पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक। लगभग 5-6 हज़ार किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी सभ्यता, लोग बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, इतनी बड़ी सभ्यता फैली हुई थी। इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, भूगोल पढ़ा रहा हूँ, लोकेशन बता रहा हूँ, समझ में आया बात है? क्योंकि कोई इतिहास कोई एक, ये सब्जेक्ट कोई एक विषय नहीं है, लिखोगे तो दिल खोल कर लिखोगे, समझ में आया बात है? इसकी खास बात है। उसका नाम सुना तुमने हड़प्पा का? मोहनजोदड़ो अलग नगर था, हड़प्पा अलग नगर था। मोहनजोदड़ो ऊपर था, हड़प्पा थोड़ा नीचे था, रावी नदी के तट पर बसा हुआ था, रावी नदी से यात्री निकल गए, रावी नदी के तट पर बसा हुआ था, आया समझ में? क्यों हड़प्पा शहर, हड़प्पा इतनी बेहतरीन व्यवस्था थी उसके अंदर ना, सामंती व्यवस्था थी, बड़े लोग थोड़े ऊपर रहा करते थे, छोटे लोग थोड़े नीचे रहा करते थे, समझ आई बात? व्यापारियों का अलग नगर था, बाहर एक किलेदार भी खड़ा हुआ करता था। संगीत की उत्पत्ति उस टाइम पर हो चुकी थी, लोग उस टाइम पर प्रकृति के पूजक थे, समझ आई बात है? जो मूर्ति मिल रही है ना, ऐसी ऐसी मूर्तियां मिल रही है ना, उनकी माँ की पेट में ना, उनके यहाँ पेट में एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, समझ आई बात? यानी हम हर चीज़ को ना वे अपने कल्चर से जोड़ कर रखते थे ताकि इसका संरक्षण करा जा सके। देखिए ना, आज भी लोग सुबह उठ कर पानी देते हैं सूर्य को, कहते हैं सूर्य देवता सब चीज़ है, और वाकई में, क्योंकि अगर सूर्य खत्म हुआ ना, पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत ही सूर्य है। सब खत्म हो जाओ, कुछ भी बना लो, कितनी भी आर्टिफिशियल सूर्य बना लो, क्योंकि ऊर्जा आर्टिफिशियल सूर्य बनाओगे तब भी तो एनर्जी की जरूरत होगी, तभी तो एनर्जी चाहिए होगी, तो भी सूर्य से प्राप्त होगी, तभी तो हम सुबह को उठकर ना, पुराने लोग थे इससे उस तुलसी को पानी डालते थे,
भगवान का संबंध केवल इससे ही नहीं है, भगवान होना चाहिए दुनिया में, नहीं है ना, बना दो जरूरी भगवान बहुत इस दुनिया को संचालित करने के लिए, ये मेरा खुद का मानना, पर्सनल एक्सपीरियंस है, समझ में आया बात यार, भगवान नहीं होगा ना लोग अनैतिक हो जाएंगे, समझ में आया बात यार, बहुत जरूरी भगवान इस दुनिया में, याद रखना बात यार, समझ में आया ठीक। अगर प्रकृति को बचाए रखना तो इतना अच्छा कल्चर था हमारा, चलो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं थोड़ा इसमें समझने की पूरी कोशिश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सिडनी मुराड नाम के वैज्ञानिक ने एक बताया कि यहाँ सिंधु नदी बहा करती थी, सिंधु नदी ये सिंधु गार्ज है हमारा, समझ में आया बात यार, इसे लेकर हमारे बीच में विवाद रहता है, सिंधु जल समझौते को लेकर सवाल भी पूछा हुआ, सिंधु जल समझौते को लेकर भी सवाल पूछा हुआ, सिंधु जल समझौता मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ, सिंधु जल समझौता मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ, पढ़ाया नहीं पढ़ाया हुआ, समझ में आया बात यार, तो उसे लेकर पेपर में सवाल पूछा हुआ ठीक, तो सिंधु जल मेंस में पूछा हुआ, मेंस की बात बता रहा हूँ ठीक, तो सिंधु जल समझौते लेकर सवाल पूछा हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ही सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। अच्छा सिंधु जल समझौता किसके साथ प्रयासरत हो, वर्ल्ड बैंक के प्रयासरत, यहाँ तो एक ओडर निकलती है और यहाँ तो ना ये जो दर्रा पड़ता है, कौन सा दर्रा पड़ता है, क्या हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा पड़ता है जहाँ तक सतलज निकलती है, याद है किसी को, इतनी जानकारी नहीं है। अच्छा चेमयंग ग्लेशियर के पास से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सतलज नदी, कौन सी, ये भी प्राचीन नदी, ये भी प्राचीन नदी, समझ में आया बात यार, ये कोई भी नई ताजी नहीं बह रही है, अतीत काल से ही बहती चली जा रही है नदी, इसके जो बीच वाला भाग है ना इतने वाला भाग है, सिडनी ब्रूहाट ने पता क्या कहा, ये एक अलग प्रकार का हिमालय, ये हिमालय एक प्रकार का, उसने अलग नाम रख दिया इसका, उसने कहा पंजाबी हिमालय, आज के बाद में से पंजाबी हिमालय कहूंगा इस पूरे क्षेत्र को, उसने पंजाबी हिमालय का नाम दिया, उसने कहा सिंधु नदी से लेकर ना और सतलज नदी के मध्य का जो क्षेत्र होगा उसे पंजाबी हिमालय कहते हैं, पंजाबी हिमालय, मैंने नहीं कहा, मैंने मना कर दिया ना, सिडनी ब्रूहाट ने कहा, समझ में आया बात है, ये सिडनी ब्रूहाट का विभाजन था, हिमालय का विभाजन करा उसने, हिमालय का वर्गीकरण करा, हो सकता है ऐसे सवाल पूछ ले, हिमालय का वर्गीकरण पूछ ले, हिमालय का वर्गीकरण हिमालय कैसे बांटा गया, ये भी सवाल पूछे हुए, इनमें जो हिमालय का वर्गीकरण करा गया, कौन सा क्षेत्र किसका सबसे ज्यादा किसका कब, ऐसे सवाल प्री में पूछे हुए, समझ में आया बात है ठीक। चलो उसके बाद देखो एक तो सतलज नदी हुई, एक कौन सी नदी, सिंधु नदी हुई, दोनों का वर्णन कर दिया, तुम ये पता करना सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तुम्हें पता करना सतलज नदी कौन से स्थान पर सिंधु नदी से मिलती है, उस स्थान का नाम पता करना, तो ये तुम्हारा काम होगा, समझ में आया, सतलज नदी कहाँ से निकलती है और यहाँ कौन सा दर्रा हो, समझ में आया बात है, ये भी दर्रे का नाम बताना, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा, मेरे दिमाग से स्किप कर रहा हो अभी, समझ में आया बात है, क्योंकि ये पूछा जाओ सतलज नदी कौन से दर्रे से हिमाचल प्रदेश में होते हुए एंट्री एंट्री मारती है ठीक। क्या हो गया उसके बाद देखो यहाँ ना ध्यान से देखो, ये हमारी काली नदी, कौन सी काली नदी, काली नदी पता क्या खास बात होगी, काली नदी एक ना पिथौरागढ़ के पास से निकलती है, वहाँ एक दर्रा पड़ता है उसे बोलते हैं हम लिपु लेक दर्रा, लिपु लेक दर्रे के पास एक स्थान है काला पानी नामक स्थान, काला पानी नामक स्थान विवादित क्षेत्र भी है नेपाल के और भारत के बीच में, समझ में आया बात या, तो वहाँ से निकलती है काली नदी, तो तुम्हें पता करना काली नदी कहाँ से निकलती है, आया समझ में, और फिर कौन सी नदी में अपना जल गिराती है, सब पता होना चाहिए तुम्हें, लेकिन मैं नदियाँ नहीं पढ़ा रहा लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, समझ में आया बात या, धीरे धीरे समझ में आई बात या, कहाँ से निकल रही और कहाँ मिलेगी, कौन सी नदी में मिलेगी, किसकी सहायक नदी है, जिसमें मिलेगी उसकी सहायक नदी होगी, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, गूगल तुम्हारे पास मौजूद है उसका इस्तेमाल करना सीखो, सब कुछ पकाया पकाया हलवा ना तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, समझ में आया, इधर देख लो यहाँ कौन सा स्थान है, काला पानी नामक स्थान से जो उत्तराखंड है ना, इधर उत्तराखंड इधर नेपाल उसकी सीमा पर बहती है ये काली नदी, समझ में आई बात है, और फिर गंगा नदी में मिल जाती है जाके, कौन सी नदी में तुम बताना, कौन सी गंगा नदी में मिलती है कि नहीं मिलती है, समझ में आया, तो यहाँ ये सतलज नदी, सतलज ये काली नदी, इसके बीच वाला जो क्षेत्र है ना, इसके बीच वाला जो भी हिमालय वाला क्षेत्र है उससे सिडनी ब्रूहाट ने बताया क्या नाम दिया, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, हाँ पेपर में सवाल पूछे कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, अब सिडनी ब्रूहाट के हिसाब से सवाल पूछा उसने, सोचा पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, कठिनाई पैदा कर देगा, कौन कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आओ, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आने वाला, ऐसी तैसी कर देता है, समझ में आया बात यार, तो बड़ा कन्फ्यूजन हुआ, इसलिए मैं राम राम से समझा रहा हूँ, तो अभी सबसे ऊपर कौन सी नदी बताया मैंने, सिडनी ब्रूहाट जब अध्ययन कर, सिंधु सतलज काली नदी, वो दिक्कत काली नदी कहाँ से निकलती है, काला पानी नामक स्थान, काला पानी नामक स्थान कौन से दर्रे के पास पड़, लिपु लेक दर्रे, मानसरोवर की यात्रा करते जा सकते हो तुम यहाँ से, समझ में आया बात यार, काली नदी निकलती है, काली नदी उसके बाद ना यहाँ तक निकलती है तीस्ता नदी,
ये सिक्किम नहीं है, सिक्किम की और नेपाल की सीमा, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर निकलती तीस्ता नदी। अब मुझे नहीं बताओ तीस्ता नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? जेमू ग्लेशियर से। किस तक? जेमू ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? नेपाल के अंदर। सिक्किम पड़ा, लिखवा रखा मैंने, सिक्किम लिखवाया था। ठीक, तो तीस्ता नदी ना, तीस्ता नदी निकल, सुन लो ध्यान से, तीस्ता नदी निकलती है कहाँ से? सिक्किम की जेमू ग्लेशियर से निकलती है और आगे ना ये जाकर मिल जाती है गंगा नदी में। और तुम पता करना गंगा नदी में मिलती है नहीं मिलती है, समझ बता सर, ये तुम्हारा काम होगा। तो बीच वाला जो क्षेत्र है ना, इसे कहा गया नेपाल हिमालय। अभी तीन हिमालय का नाम बता चुका मैं तुम्हें, नंबर फर्स्ट पंजाबी हिमालय, नंबर दो कुमाऊं हिमालय, नंबर तीन नेपाल हिमालय। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये मैंने नहीं अध्ययन करा इसका, इसका वर्गीकरण नहीं करा है, ये बरोड ना नहीं सिडनी बुराड। ठीक, नदियों के आधार पर ने हिमालय का वर्गीकरण कर दिया गया कि न कि नदियां अतीत काल में बहा करती थी, इनका प्रभाव ना इस उत्तर से इधर की ओर था। इससे अंदाजा लगा जा सके जो अंगारा लैंड था ना उसका ढाल इस ऐसा था, जो अंगारा लैंड था ना उसका ढाल उत्तर से दक्षिण की तरफ था, क्योंकि नदियों के प्रवाह से आप अंदाजा लगा सकते हो। आप भारत है ना, जो भारत का मैप देख कर ये भी अंदाजा लगा सकते हो, अधिकांश नदियां इधर से इधर ही बह रही, ऊपर वाला जो भाग है ना इधर से इधर बह रही नदियां, इसका मतलब ऊपर वाले भाग का ढाल ना पश्चिम पूर्व से पश्चिम की तरफ है। यानी भारत का उत्तर है ना, भारत का जो उत्तर उसके उत्तर भाग का जो भाग ढाल है ना वो इधर से ऐसा, इसका स्लोप ऐसा, स्लोप समझते हो, ढाल। बात समझ में आई? उसके बाद तीस्ता नदी, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? सिक्किम अंदर। समझ में आ बात है? उसके बाद इधर आती है ब्रह्मपुत्र नदी, तुम पता करना ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के अंदर कौन से नाम से जानते हैं? एक और नाम उसका मैंने तो नाम बताया था सांगपो, एक और नाम है उसका वो बताना तुम्हें, जैसे बनता है जैसे नाम बताना तुम्हें। दूसरा, जैसे भारत में प्रवेश करती है ना ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी रुक जाओ, यहाँ दिहंग गर्जुन को होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से प्रवेश, दिहंग गर्जुन को होते हुए यहाँ प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बीच का जो हिमालय भाग है ना उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं, असम हिमालय। तो असम हिमालय है ना, आए समझ में? ये असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, समझ में आ बात है? और सबके बारे में चार चार लाइन हमें हमेशा लिखनी और सब पता होना चाहिए, कौन सा हिमालय किस किस नदियों के बीच क्या बीच का भाग होगा। अभी तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओ जो असम हिमालय किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपाल नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी बैठे पढ़ लो। नेपाल हिमालय बताओ कौन कौन सी नदियों के बीच है? काली नदी कहाँ से निकलती है? काली काली काली, ठीक है दिया। उसके बाद और तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? झबरूनी जी मुगले से था, समझ में आया बात? ठीक है, आगे चलो। काली नदी को दिक्कत तो नहीं आता? काली नदी किस किस की सीमा बहती है? नेपाल और भारत की, नेपाल और भारत की। तो भारत में ही तो उत्तराखंड है, बधाई देने का मौका मन करा तुम्हें ऐसे देख कर। इधर शिवानी, समझ में आ रहा? अच्छा लग रहा। ठीक है, यह कौन सी नदी? सतलज। यह कौन सी नदी? सिंधु। तो सतलज और सिंधु के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसका क्या नाम हो? पंजाबी हिमालय। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आने वाले, कुछ तीर्थ स्थल भी आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक ध्यान से समझ लेना। पहला सवाल ये पूछता, ये चार भाग, एक दो तीन चार, लिखा हुआ एक पंजाबी हिमालय, नंबर दो कुमाऊं हिमालय, नंबर तीन नेपाल हिमालय, नंबर चार असम हिमालय। सिडनी बुराड के द्वारा जब हिमालय का चार भागों में वर्गीकरण करा गया था तो ये बताओ इसके अंदर सबसे बड़ा हिमालय कौन सा? क्या नेपाल हिमालय सबसे बड़ा, क्या असम हिमालय सबसे बड़ा, क्या फिर कुमाऊं हिमालय सबसे बड़ा, ये पंजाब हिमालय सबसे बड़ा? ऐसे ही लगता था उसे भी, ऐसा ही लगता था, लेकिन नेपाल हिमालय का क्षेत्र सबसे बड़ा। हाँ, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ अभी, सुनो ध्यान लगाकर, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ, 800 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में, समझ में आया बात? फिर वहां ऐसी की तैसी हो जा, क्या हो जा? ऐसी की तैसी ना हो तो याद रखना बात है। उसके बाद एक कुमाऊं हिमालय, सबसे छोटा इसमें कुमाऊं हिमालय है आपका उत्तराखंड वाला, कुमाऊं हिमालय याद रहेगी बात, सबसे छोटा, केवल 320 किलोमीटर स्क्वायर के रेम फैला हुआ, केवल 320 किलोमीटर स्क्वायर के रेम फैला हुआ लगभग, याद रहेगी बात है, दोनों चीज याद रहेगी। सबसे बड़ा हिमालय कौन था? अच्छा, सबसे छोटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, कुमाऊं हिमालय जो किन दोनों नदियों के बीच फैला हुआ? काली काली काली, बताओ
काली और तीस्ता, काली और तीस्ता के बीच में। कालीन भैया इतना मारेंगे तुमको, याद रखोगी। अच्छा नेपाल के, ठीक है, अच्छी बात। अच्छा पंजाबी मान ले, पंजाबी मान ले किन दोनों नदी के बीच में फैला हुआ, सिंधु और सतलज के बीच, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बताओ किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, लगभग 800 किलोमीटर स्क्वायर के फैला हुआ, किसका क्षेत्रफल सबसे कम? अब हम एक एक करके हड्डी बनाएंगे, जैसे पहले हड्डी बनाएंगे हम पंजाबी मान ले, समझे? उसके बारे में कुछ छोटे छोटे फैक्ट लिखेंगे, यही बात लिखेंगे। बताओ पंजाब हिमालय के बारे में क्या पता तुम? सिडनी बुराड के द्वारा सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य का अक्षेत्र को ही पंजाब हिमालय कहा गया है, ठीक? तुमने उसका नाम सुना वैष्णो देवी माता मंदिर का? वो पंजाब हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसके कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल है अमरनाथ, अमरनाथ की यात्रा पर जाना हो ना यहाँ जा सकते हो तुम, आए समझो। उसके बाद वैष्णो देवी ना, वैष्णो देवी भी, चरार ए शरीफ, चरार ए शरीफ मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, चरार ए शरीफ। उसके बाद वैष्णो देवी, अमरनाथ, ये सब पंजाब हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? पंजाब हिमालय का विस्तार इसे कश्मीरी हिमालय क्यों बोल लोगे? नहीं बोलने के से कश्मीरी हिमालय, किसने कहा कश्मीरी हिमालय? नहीं पंजाब हिमालय बोलते हैं, समझ में आ बात? कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके अंदर पाए जाने वाले प्रमुख तीर्थ स्थल कौन कौन से? अमरनाथ, वैष्णो देवी, चरार ए शरीफ, ठीक। इसकी खास बात हो यहाँ ना दो घाटियां भी पाई जाती है, एक तो कश्मीर घाटी भी इसमें पाई जाती है, दूसरे नंबर पर कुल्लू जो घाटी है ना, कुल्लू कांगड़ा घाटी, वो भी पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती है। बच्चे ना उसे इसमें कुमाऊं हिमालय में समझ बैठते, ये बात विशेष तौर पर याद रखना कि जो कुल्लू कांगड़ा घाटी और कश्मीर घाटी ना वे पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती है। ये पंजाब हिमालय हेडिंग बनाकर उसके अंदर लिखोगे, लिख दोगे। अभी पूछने जा रहा हूँ तुमसे क्या बताया गया, स्टार्टिंग से कैसे लिखोगे स्टार्टिंग से, ठीक? अरे चल जाते हेडिंग बनाओगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन ब्रैकेट में लिखोगे नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर ऐसे लिखोगे भूगोल वेता सिडनी बुराड के द्वारा नदियों के आधार पर हिमालय को चार भागों में विभक्त किया गया है, नदियों के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बांटा गया है, लिख लिया यहाँ तक पहला पॉइंट। पहला नंबर पर, नंबर एक लिखोगे पंजाबी मान ले, नंबर दो कुमाऊं हिमालय, नंबर तीन नेपाली मान ले, नंबर चार असम हिमालय, फिर नंबर एक इसे पंजाब हिमालय के बारे में वर्णन करोगे ठीक ठाक तरीके से, जो भी दिखाई दे रहा। उत्तर में, भारत के उत्तर में सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य का क्षेत्र पंजाब हिमालय कहलाता है, लिख दोगे। पंजाब हिमालय के अंतर्गत प्रमुख तीर्थ स्थल अमरनाथ, वैष्णो देवी, चरार ऐसे भी पाते हैं, कुल्लू कांगड़ा घाटी तथा कश्मीर घाटी भी इसी के अंतर्गत आती है, लिख दोगे यहां तक। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कौन सा? कपड़े पहरा पर्वत नहीं, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत जो कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही आती है, समझ में आया बात या? लेकिन पीओके का भाग, किसका भाग? जब भी नंगा पर्वत लिखोगे राइट में पीओके लिख देना, आए समझ में? भले नंबर काट लगा तुम्हारे, नहीं काटने का नंबर, सोचा ठीक ठाक नॉलेज है सर, सब पता है सर, ठीक है, अंधभक्त नहीं आए। दूसरे नंबर पर कुमाऊं हिमालय, कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय में क्या लिखोगे? सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य के अक्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहते हैं, सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, 78-17 मीटर, आ समझ लो 78-17, नहीं याद करना था ना, इतना याद करो मर जाओगे, ब्रेट में चाहिए तो लिख सकते हो, समझ में आ बात है? 78-17 याद नहीं करना, 78-17, ठीक, याद नहीं करना, समझ गया? दोबारा बोल लूँ, शुरू से बोलूँ सारा का सारा? सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य के अक्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ठीक, इतना लिखना। उसके बाद क्या लिखोगे? इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ती है, इतना मत लिख देना, मत लिख देना इतना, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ती है, ब्राइट में 78-17 मीटर, ये भी नहीं मत लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, अगर चलो पूरे भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पूरे भारत की हिमालय में, पूरे भारत की हिमालय में दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, ठीक, कौन सी? नंदा देवी,
पर इसके अंतर्गत प्रमुख तीर्थ स्थल, इसके अंतर्गत प्रमुख तीर्थ स्थल बताओ कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, उत्तराखंड में कौन कौन सा तीर्थ स्थल है? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी। इतना रटवा रखा है मैंने फूलों की घाटी, इसके दिमाग में तुरंत आया फ्रैंक जेसन। फूलों की घाटी ना 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल करा गया। समझ में आया बात? ये क्यों चले जाते हैं, स्वतः ही चलाते हैं, स्वतः ही जनित हो जाते हैं। इतनी मत, कोई दिक्कत है अंदर? एक साल और पढ़ लेना तुम, और एक साल और पढ़ लिए तो पक्की बात है जो मेंटल हॉस्पिटल है ना ट्रांसफर कर दे। यहाँ ना कुछ हिल स्टेशनों का निर्माण भी हुआ, जैसे नैनीताल, चक्राता, अल्मोड़ा, ये ना कुछ हिल स्टेशन है। ये भी इसके अंदर लिखोगे कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत। कुछ एक दो विशेषता और दिखाई तुम्हें दे रही, हिल स्टेशन नहीं जानते का तुम? इसका मतलब देखो, एक एक होटल टाइप बना दिया गया, बना दिया गया ठीक, स्थान बनाया गया, अंग्रेज आए अपना घर बसाया, फिर वहाँ धीरे धीरे बस्ती बसने स्टार्ट होगी, बस्ती बसने स्टार्ट, बस्ती बसने स्टार्ट हो चुकी, और वो सुंदर नगर हो चुका, और वो रहने के लिए वो स्वास्थ्यवर्धक स्थान, रहने के लिए ना स्वास्थ्यवर्धक स्थान है वहाँ ना, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत जीरो हो वहाँ से। समझ में आई बात है? अब पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या हो? नहीं पता ना, दिल्ली में जाओ हवा साफ हो वहाँ से। समझ में आई बात है? PM पार्टिकल वहाँ जीरो, कोई दिक्कत यहाँ तक? इतनी बात बताओ, समझ में आई? इसके लिए अंकि रगड़नी पड़ती है रात को। हाँ सब आता है इसके अंदर, हिमाचल प्रदेश भी इसके अंदर, हिमाचल प्रदेश भी कौन हिमालय के अंतर्गत? मैडम प्लीज, हिमाचल प्रदेश का कुछ ही भाग होगा इसके अंतर्गत। समझ में आया बात? कुछ भाग इसके अंदर चला था, काली नदी, उसके बाद अगली हेडिंग बनाओगे नेपाल हिमालय, नेपाल। अच्छा कुमाऊं हिमालय के बारे में एक फैक्ट और लिख देना, यह है हिमालय का सिडनी बुराड के लिहाज से ब्रैकेट में हिमालय का सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग कुमाऊं हिमालय, ये फैक्ट जरूर लिख देना। अगली हेडिंग क्या बनाओगे? नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय में क्या लिखोगे? पहले लाइन क्या लिखोगे? यह है काली नदी तथा तीस्ता नदी की मध्य का अक्षेत्र है, या इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक माना जाता है, ठीक इधर लिख दोगे। यह है पूरे हिमालय का सबसे बड़ा बड़ा भाग है, पूरे हिमालय का जितने भी हिमालय का जितने भाग बांटने गए, चार भागों में बांटा गया, सबसे बड़ा भाग यही है। दूसरे नंबर पर क्या लिखोगे? दुनिया की अधिकांश ऊंची ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, मसालू, उसके बाद नाम क्या बताता हूँ, मकालू, धोलागिरी, इसी के अंतर्गत आती हैं। आया समझ रही? कोई दिक्कत यहाँ तक? और बताओ क्या लिखोगे इसके अंदर, और कुछ है दिमाग में, कुछ आइडिया है नेपाल के बारे में? इतना लिखा आगे बढ़ जाओगे, इतना लिखने के बाद आगे बढ़ जाओगे, सर्वोच्च शिखर से पा जाते हैं। अगली हेडिंग क्या बनाओगे? असम हिमालय, असम हिमालय, और बता दो असम हिमालय का विस्तार कहाँ तक फैला हुआ? तीस्ता नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी तक, तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। समझ में आया बात या? उसमें क्या लिखोगे? इतना लिख दोगे, इतना लिखने के बाद में इसके बीच का जो क्षेत्र, यहाँ ना जो छोटी छोटी जनजातियाँ, यहाँ जो पहाड़ों के इनके पहाड़ों के नाम छोटी छोटी जनजातियों के नाम पर रखे गए, उनका नाम था डाफला, अम्बोर, मिसमी, एक तो डाफला होगा, अम्बोर होगा, मिसमी और मीरी, मीरी मिसमी, याद रहेगी बात है कोई जो तुम्हें याद रख, लिख दोगे वे इसके अंतर्गत आते हैं असम हिमालय के अंतर्गत। तो सिडनी बुराड के द्वारा ना इस तरह ना भारत का विभाजन करा गया था। वो कहाँ जाएंगे, उसको नहीं जाने के, वो तो नीचे जाएंगे, वो तो एक तरफ हो जाएंगे, नहीं मानना इन्होंने, इतना भाग को हिमालय मानना, बस इतना भाग, इतना भाग, इतना भाग, इतना भाग, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सिडनी बुराड का विभाजन था। मैं क्वेश्चन लिखवा दूँ, एक क्वेश्चन लिखवा दूँ क्या? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, इतना ही भाग लिया, एक दो तीन चार, चार भागों में लिया, चार भागों में ले लिया। क्वेश्चन लिखो एक मीन्स का, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर,
नदियों के आधार पर मुड़ दिया रुकने का, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय के, नदियों के आधार पर हिमालय के वर्गीकरण को, नदियों के आधार पर हिमालय के वर्गीकरण को सही विस्तार से समझाइए। नदियों के आधार पर हिमालय के वर्गीकरण को सही विस्तार से समझाइए। ठीक, लिख दोगे? मैं क्वेश्चन दूसरा नहीं लिखवा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में बदल के ऐसे पूछ सकता हूँ, उत्तर एक ही रहेगा। ठीक, अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन करो, मैं कम करूंगा उस क्वेश्चन के दो रूपों को। मैं बार बार जैसे क्वेश्चन देता मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ तुम क्वेश्चन लिखना सीख चुके, जब सीख चुके इसका मतलब क्वेश्चन का उत्तर तो वही होगा, तो मैं क्वेश्चन की फॉर्म चेंज करवा रहा हूँ, उत्तर उसका एक ही रहेगा, एक ही बार लिखना उसका उत्तर, या और लगा के लिखो। इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता दूसरे रूप में, लिखो सिडनी बुराड के आधार पर, 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 सिमनी सिडनी बुराड के अनुसार, सिडनी बुराड के अनुसार, सिडनी बुराड के अनुसार ऐसे लिखना, सिडनी बुराड के अनुसार नदियों के आधार पर, सिडनी बुराड के अनुसार नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय के वर्गीकरण को समझाइए, हिमालय के वर्गीकरण को समझाइए। 100 वर्ड, सिंपल। कोई दिक्कत यहां तक? अभी तो समझाने जा रहा हूँ दर्रे, दर्रे भी मैं इसके साथ ही एडजस्ट कर रहा हूँ। क्यों? मैंने पहले समझाने जा रहा हूँ, तो जो ऊपर हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं, समझ में आ बात या? वहाँ कौन कौन से दर्रे, प्रमुख दर्रे पड़ते हैं, और उन तो दर्रे तो होते हुए कहाँ जा जाता, दर्रा कहते किसे, समझे? तो हम पहले जम्मू कश्मीर के और जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के दर्रे समझने की पूरी कोशिश करते हैं। समझा दूँ? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कुछ नोट तो नहीं करना था, घर जाके सारा नोट करते हो तुम, रातों रात तो बैठ कर लगे रहते हो। ठीक, अभी मैं रोकता हूँ पहले। अब अगली एडिंग तुम यहाँ कॉपी में एडिंग बना लो, समझ ही बना लो थोड़ी सी एडिंग, थोड़ा सा मुझे लिखवाना भी थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़े से दर्रे भी देख लेते हैं, ये देखने बहुत जरूरी है। अच्छा तुम्हें पता पूरे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा? ये पुराना था, है नहीं अभी, नेशनल हाईवे 44 पूरे भारत का सबसे लंबा हाईवे 44, वो ना मैडम नेशनल हाईवे 44 ना, यहाँ ना श्रीनगर से, ये रहा श्रीनगर, नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से स्टार्ट हो और सीधा यहाँ तक जाओ कन्याकुमारी तक, सबसे लंबा देखो है 44 है क्या? हाँ ऐसे लिखा होगा, नेशनल हाईवे 44 पूरे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, यहाँ से देखो चलिए पुराना होगा फिर वो। ठीक, नेशनल हाईवे 44 ठीक, उसका कोड करने का अलग तरीका होगा, इधर देख लो ए, इधर देख लो और भी समझना, दर्रा किसे कहते हैं? देखो दर्रे को ना इंग्लिश में ना पास भी कहते हैं, पहाड़ हो उसे काट कर या नदियों के द्वारा ना उसे काट दिया गया और लोगों ने वहां सड़क बना दी, रास्ता हो पहाड़ों को काट कर बनाया गया रास्ता ही दर्रा कहलाता, समझ में आया बात या? कोई दिक्कत? जैसे पूरी पूरी एक पर्वत श्रृंखला आती है, तो जो बीच वाला भाग था ना, ये वाला भाग काट दिया गया और यहाँ ना रास्ते का निर्माण कर दिया, इसे बोलते हैं पास, पास खम्बा बचाओ निकलो पास, पास मतलब दर्रा। अब ध्यान से थोड़ा मैप में देखना अच्छे तरीके से, देखो ये हमारी काराकोरम, इसके बारे में लिखना कुछ नहीं,
जो लिखना मैं भी यहीं दिखाऊंगा, यहाँ से देख लेना अच्छे तरीके से। सबसे सब ऊपर दिखाई दे रहा है ऊपर, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ना, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, इस पर दो दर्रे पड़ते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कोई ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, ट्रांस हिमालय ये वाला भाग, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तीन पर्वत श्रेणी आती है, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। ये भी सवाल पूछे जाते हैं कौन सा दर्रा कौन से हिमालय में पड़ता, समझ में आया बात क्या? ऊपर वाले ध्यान से देख लेना अच्छे तरीके से कहाँ कहाँ कौन सा ये स्पोर्ट बिंदु बनाया गया है ना, स्पोर्ट बनाया गया, इसे हम गिलगित कहते हैं। और गिलगित की खास बात है, यहाँ अभी ना भारत के अंडर बनी है, ये POK के अंडर में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है पाकिस्तान, हाँ गिलगित याद रहेगी बात या? उसके बाद देखो यहाँ साइड में, इधर यहाँ देखो काराकोरम दर्रा है, यहाँ तो होते हुए ना, यहाँ तो होते सीधे चाइना जा सकते हो, चाइना जा सकते हो, यहाँ तो काराकोरम होते दर्रे तो होते हुए, यहाँ काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी लिखा हुआ, लेकिन पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय का भाग है, जिसे हम लघु हिमालय या निम्न हिमालय कहते हैं, समझ में आया बात ये? ठीक। उसके ये जो तीनों तीनों पर्वत श्रेणी है, ट्रांस हिमालय का भाग, बीच में एक थ्रस्ट पड़ता है, बता सकते हो कौन सा थ्रस्ट पड़ा इसके? ट्रांस हिमालय को टीमान, ट्रांस हिमालय, हाँ ठीक। लेकिन ये बता सकते हो तुम महान हिमालय और जो लघु हिमालय के बीच में कौन सा थ्रस्ट पड़ा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, उसके बीच में पड़ा शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पढ़ा, नहीं नहीं इंजॉय ले रही, समझ में आया बात या? चुप हो जाओ, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से, ये सब सब रटवा रखा है ना, अच्छे तरीके से रटवा रखा। देखो यहाँ ध्यान से, जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर जो दर्रे मौजूद है ना, उनके नाम बताने जा रहा हूँ, इनका पूछता पेपर में जरूर, उत्तर से दक्षिण की तरफ भी क्रम पूछ रहे इनका, और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ भी क्रम पूछ, दो तीन दर्रे इधर के देगा, हाँ क्रम पूछ के ना मैचिंग करने देता, ये दर्रा कहाँ से चल मैच करे सर, बच्चा कन्फ्यूज कौन था कौन सी जगह में, और पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम पूछ लेगा, चार दर्रे दे देगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम बताना ना का, ऐसी तैसी हो जाए। देखो जिन्हें लोकेशन नहीं पता थी ना, वो तो गया, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ना, जो कि मध्य हिमालय का भाग, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो कि मध्य हिमालय का भाग है ना, उस पर दो दर्रे पड़ते हैं, एक पड़ता है आपको पश्चिम पूर्व की तरफ, एक पड़ता है पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ जो दर्रा पड़ता है ना, उस पीर पंजाल दर्रा कहते हैं, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रे के पास ही ठीक नीचे जम्मू शहर पड़ता है, जम्मू जम्मू में ही स्टेशन है, जिसे हम जम्मू तभी के नाम से जानते हैं स्टेशन को, रेलवे स्टेशन जम्मू, जम्मू तभी, समझ में आया बात है, जम्मू तभी में जम्मू तभी नाम का रेलवे स्टेशन। तो जम्मू शहर है यहाँ से, हो सिटी हो, समझ में आया बात है, बहुत ठीक ठाक तरीके से शांति रहा, यहाँ कोई आतंकवादी हमले नहीं होते, समझ में आया बात। अब जम्मू से ना तुम श्रीनगर जाना, अगर जम्मू से तुम श्रीनगर जाना हो ना, तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए ना, तो पीर पंजाल दर्रे से होकर गुजरना पड़ता, पीर पंजाल दर्रे से होते हुए तुम श्रीनगर जा सकते हो, एक तरीका होगा, एक तरीका इसे जाने का, यहाँ से तुम जल्दी पहुंच जाओगे, पीर पंजाल दर्रे से जाओगे ना, पीर पंजाल दर्रे से जाओगे, जम्मू से कहाँ जाओगे, श्रीनगर जाओगे, ये श्रीनगर यहाँ स्पोर्ट बनाएगा, जो बिंदु बनाएगा इस दर्रे को, दर्रा बनाने का तरीका इस तरह का, मैंने इस तरह बना रखा दर्रा, ऐसा करके दर्रा बनाया मैंने, समझ गए तुम, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। तो जम्मू ना, जम्मू से आप श्रीनगर जाना चाहते हो, तो श्रीनगर इस पीर पंजाल दर्रे से होकर जाया जाता, एक तरीका होगा। दूसरे नंबर पर आप ना बनिहाल दर्रे का रास्ता पकड़ सकते हो, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर, ये भी पूछा जा सकता कौन सा दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणी पर, ये भी पूछा जा सकता जो हमारा पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये कौन से हिमालय का भाग, मध्य हिमालय का, महान हिमालय का नहीं है, क्योंकि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी ना मध्य हिमालय पर पड़ती है, सब पता होना चाहिए, बहुत गहराई तक, समझ में आया बात है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, पीर पंजाल पर्वत, तो बनिहाल दर्रा जो ना मध्य, जो मध्य पर्वत श्रेणी, मध्य जो मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, लघु हिमालय का नाम से जानते हैं, उसका भाग पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में दो दर्रे पड़ते हैं, और दोनों से होकर श्रीनगर जा सकता। दुनिया का सबसे, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो बनिहाल दर्रे से गुजरता, ऐसा करके बनिहाल दर्रे से होकर और यहाँ तक जाता है केप के मोरिन तक, सबसे नीचे लास्ट में केप के मोरिन लिखा, लेकिन नीचे लिखा हुआ मैप में लिखा हुआ केप के मोरिन लिखा हुआ, कन्याकुमारी है उसके नीचे केप के मोरिन है, केप के, हाँ वो के अंतरिप लिखा हुआ ना, उसका नाम केप के मोरिन, दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ तक जाता है नेशनल हाईवे 44 यहाँ तक जाता है, समझ में आ बात, कभी यात्रा करने का मौका मिला ना तो ट्रेन जाती है यहाँ से यहाँ, ठीक 3-4 दिन लग जाओ आराम से, ठीक ठाक तरीके से, जो फर्स्ट ट्रेन जो एक्सप्रेस जाती है जम्मू से जाती है स्टार्ट, सीधी ही जाती है, यात्रा कर सकते हो, बहुत सुंदर है, अपने पूरे भारत का वर्णन यात्रा कर लो, रुक रुकती जाती है ट्रेन, हाँ ट्रेन से ही, समझ में आ बात, मैंने ठीक ठाक तरीके 2-3 बार से सफ़र कर रखा है, बहुत बढ़िया तरीके से, समझ में आया बात। तो भारत का देखो, तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे लगभग पूरा भारत घूम लिए तुम, बीच बीच तो गुजर लिए, लेकिन वो अलग ही मजा होगा, तो फ्लाइट का तो देखो अलग ही मजा, उसका तो क्या कहना है, उसके तो आत्मरोगड़ा चाहिए। आज तुम यहाँ से 2 घंटे बाद वहाँ, 3 घंटे बाद वहाँ,
अगले घंटे वहाँ से, अगले घंटे वहाँ, अगले घंटे वहाँ। मैं एक दिन में चार चार सिटी घूमा, एक दिन में चार चार सिटी, सोच सकते हो तुम, ज़्यादा पैसा आ रहा था आप है? नहीं, देखो गोवा से दिल्ली की फ़्लाइट ना बहुत सस्ती, दिल्ली से गोवा की तो सबसे सस्ता गोवा की फ़्लाइट हो, जाना हो तो गोवा वाले, नहीं तो मारूंगा एक। ठीक, तो बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। तो उसके बाद आ जाओ इस वाले दर्रे पर, इसका इस श्रेणी का नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी पर ना दो दर्रे पड़ते हैं, कितने दर्रे? दो दर्रे, नाम बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना दर्रे का नाम। इस दर्रे का नाम है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल, बुजदिल नहीं, बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। जितने भी ना हमारे यहाँ आक्रमण हुए सारे इसी रास्ते से हुए आक्रमण, भारत के लोग जो मंगोलियन ने आक्रमण करा, बुर्जिल दर्रे से आए थे, आए थे बजमा, जितने भी भारत के लोग आए ना इस बुर्जिल दर्रे से होते भारत के ऊपर आक्रमण करने आए। अहमद शाह अब्दाली आया पानीपत जीतते हुआ, वो भी इस दर्रे से आता पहाड़ उतरते, समझ में आया बात यार? ठीक, बढ़िया रास्ता मिला होता ठीक ठाक तरीके से, इन्होंने चल चल के चोटा बना दिया इस रास्ते को आज ये दर्रा थोड़ा ही हिमालय आज थोड़ा बनाया हो, कितने साल पहले का सोच तो ले तू, और सबसे नवीनतम, ये सबसे नवीनतम। जिंदगी में कभी मौका मिले तो अरावली देखने जाओ, पता लग जाएगा तुम्हें। अरावली, दिल्ली का मजनू टीला देखा? नहीं देखा। दिल्ली में कचरा कचरा कूड़ा देखा? कचरा कूड़ा वहीं से स्टार्ट होगा। घूमा करो, घूमोगे यार तुम, घूमोगे तो ज्यादा तुम्हें ना वहां जाकर स्वयं संवेदना होगी जब घूमोगे। मैं यहाँ तक सारे रास्ते पर गया हुआ, मैं वहां जाने का मौका नहीं मिल रहा, वहां जाना अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड है इस एरिया में, डेंजर जोन है। जहाँ गया अभी हो रहा हूँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बात समझ भाई? तो एक तो बुर्जिल दर्रा, देखो बुर्जिल दर्रा, ये गिलगित, गिलगित। अगर तुम यहाँ से यहाँ जाना हो ना, यहाँ से देखो अच्छे, अगर तुम्हें श्रीनगर से गिलगित जाना हो, ये सबसे डेंजर जोन है यहाँ जाने वाला, ये चुप हो जाओ, सबसे डेंजर जोन है यहाँ जाना, क्योंकि हमारे देश में ही नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। गिलगित अगर पाकिस्तान में जाना हो ना तुम यहाँ से श्रीनगर से, तो यहाँ से रास्ता गुजरा होते हुए, समझ में आ बात है? यहाँ से रास्ता गुजरता इसका मतलब बुर्जिला, जो बुर्जिला दर्रे ना उससे होकर जा जाता। और सुनो, ये इस जो प्रसारण लिखा हुआ नहीं, सारे जो स्पोर्ट बनाएगा, इसका नाम है लेह, लेह आता लद्दाख के अंदर, किसके? लद्दाख के अंदर आता। और कौन सी पर्वत श्रेणी बसा हुआ है? जास्कर पर्वत श्रेणी के उत्तर में बसा हुआ, समझ में आ? अगर आपको लेह जाना हो ना, जम्मू से आपको लेह जाना, तो नंबर फर्स्ट आपको बनिहाल दर्रे का रास्ता पकड़ना होगा, और बनिहाल दर्रे तो होते हुए ना आपको ठीक, और यहाँ नेशनल हाईवे पकड़ना होगा, और जो जिला दर्रे से जाओगे आप, जो जिला, जिज्जा दर्रा नहीं, जो जिला, जो जिला, जो उसका नाम क्या था? बुर्जिला दर्रा। तो बुर्जिला दर्रा ना, ये कौन सी पर्वत श्रेणी पड़ते हैं? जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी पर दो दर्रे के नाम बताए, दोनों का नाम बता दो मुझे जरा, जो पश्चिम तक बुर्जिला, जो जिला दर्रा, समझ में आया बात है? और ये बताओ जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, उस पर कौन से दर्रे पड़ते हैं? पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। तुम्हें पता करके बताना बनिहाल दर्रा कौन से जिले, कौन से स्टेट में पड़ता, राज्य में पड़ता, पता करके बताना। ये तो तुम बताता हूँ, जम्मू में पड़ता है तो ठीक, ये बनिहाल दर्रा। सोच लो एक बार और सोच लो, बुर्जिला, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, बुर्जिला जो दर्रा ना वो कौन से स्टेट में पड़ता? कोई लद्दाख में तुम चला गया हो या जम्मू कश्मीर में हो, समझ रहे बात यार? उसके बाद जो गिलगित है ना, ये तो लद्दाख में चला गया या जम्मू कश्मीर में, ये पता करना तुम्हें, समझ में आया बात यार? यहाँ से सुनो अच्छे तरीके से, उसके बाद यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऊपर कौन सा? काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। इतनी बात होता समझ में नहीं आई? मैंने एक काम कर रहा हूँ, और मैंने पीर पंजाल दर्रा के बारे में कुछ लिखवाना चाहता हूँ, छोटे छोटे फैक्ट तुम्हें। पीर पंजाल तो हेडी बना रहे हो, पीर पंजाल दर्रा, लिखो। इसे ना श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, इसे पीर पंजाल दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। लिखो पीर पंजाल दर्रा हेडिंग बना ली, इसमें एक लाइन लिखो, पीर पंजाल दर्रे को, पीर पंजाल पर्वत दर्रे को
पीर पंजाल दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, श्रीनगर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। लिख लेना लाइन, कहीं लिख लोगे? गेटवे ऑफ श्रीनगर, लिख दिया ना, गेटवे ऑफ श्रीनगर। बताओ जो बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा किसे किसे जोड़ता? जम्मू को और श्रीनगर को जोड़ता। लिखो, यह दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। ऐसे सवाल पूछे हुए भाई, यह दर्रा कौन सा दर्रा, कौन सा? पीर पंजाल दर्रा। भारत की सबसे बड़ी लंबी सुरंग कौन सी? पहले जो सुनते जवाहर सुरंग नाम सुनते थे, अब जवाहर नहीं रही, ठीक, अब दूसरी हो चुकी। वो बताऊंगा कौन थी, अटल भी नहीं है। अटल तो नाम दे इतना फैला दिया सबको, नहीं सर, अटल सुरंग सबसे लंबी, इसी दर्रे में बस सुरंग। समझ में आ बात या ये खास बात है? पहले लिखो, जवाहर सुरंग बहुत फेमस है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर नाम रखा गया इसका। लिखो, जवाहर सुरंग इसी दर्रे से गुजरती है, जवाहर सुरंग इसी दर्रे से होकर गुजरती है। जवाहर सुरंग का फोटो भेजना ग्रुप में, देखना बहुत सुंदर है। हाँ, ये क्या है? हाँ, केस मेरा हंसने का तरीका। भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है ना, सबसे लंबी सुरंग भारत की, ठीक, सबसे लंबी सुरंग है, उसका नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग नाम पर रखा। इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कहते हैं, श्यामा सुरंग, श्यामा। समझ में आया? उसके नाम पर, श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर इसका नाम रखा गया। नंबर दूसरा फैक्ट लिखो उसके अंदर, लिखो, भारत की सबसे लंबी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी सुरंग, चेनानी नाम इसका, चेनानी। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी, इसी दर्रे में बेटे, पीर पंजाल दर्रे में, याद रखना, चेनानी सुरंग, चेनानी। हाँ, इसका फोटो भेज देना ग्रुप में। चेन्नई तो भारत की सबसे लंबी सुरंग, ये तो इसका नाम है चेन्नई। क्यों यार, क्यों पढ़ रहा हूँ, भागो ना, घंटा बताया तो कुछ नहीं बताया, अभी लिखेंगे उसका नाम, वही तो लिखेंगे, चेन्नई नौशेरी सुरंग। चेन्नई पूरा नाम लिखो, चेन्नई नौशेरी, नौशेरी सुरंग, ये लिखना, यो इसका ही नाम है, चेन्नई नौशेरी सुरंग। बेवकूफ कहेंगे नौसरी, ससुरी नौसरी, या दूसरा नाम लिखो, श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग, श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग, इसी दर्रे में, पीर पंजाल दर्रे में, भूलना मत बिल्कुल भी। इसे नाम ब्रैकेट में देना, श्यामा सुरंग के नाम से जानते हैं, श्यामा। तो यूपीएससी फिर इतनी जल्दी निकलता, समझ में आया? लिख देना, यहाँ तक लिखो, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, वो ना बनिहाल दर्रे से नहीं हो गुजरता, वो पीर पंजाल दर्रे से हो गुजरता, ठीक, सबसे लंबा नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 44, समझ में आया? लिखो लिखो, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे, भारत के सबसे लंबा नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, राइट में NH 44, भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH 44, NH 44 लिख दिया। उसके बारे में NH 44 के बारे में बता, क्या लिखोगे उसके बारे में? श्रीनगर से, श्रीनगर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी
श्रीनगर से कन्याकुमारी, कौन मारी लिख दे यहाँ तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी, पीर पंजाल दर्रे से होकर गुजरता है, पीर पंजाल दर्रे से होकर ही गुजरता है, तुमने लिख दिया यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ये लिख दी तुमने, श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है, श्रीनगर से जम्मू को तो जोड़ता है। दूसरी बात क्या लिखी थी? अच्छा, कहाँ लिखा है? लिख रखा लिखो अगला बुर्जिला दर्रा, अगली हेडिंग बनाओ, अगला पॉइंट लिखो नोट में, बुर्जिला दर्रा, बुर्जिल, हाँ बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणी पर स्थित है? जास्कर पर्वत श्रेणी पर, जास्कर पर्वत श्रेणी पर। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, जम्मू से नहीं गिलगित से, गिलगित से जोड़ता है श्रीनगर को। यहाँ देख लो ना, देखो यहाँ ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो आधार कार्ड वाला है? अभी मैंने दर्रों की बात करी नहीं, कल को हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड के दर्रे भी रह रहे हैं, दर्रे दर्रे यहाँ है कुछ नहीं, समझ में आया बात है? फिर इधर के दर्रे सिक्किम के दर्रे पड़ेंगे हम, समझ, फिर अरुणाचल प्रदेश के दर्रे भी देखने लगे। हाँ कोई दिक्कत है? मतलब तुम सोचा सारा आराम का माल तुम्हारे घर में बांट दे, फिर बात की, समझ में आया बात? इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, एक बढ़ने चाहिए थे पूछ, अब तक नहीं पूछा, अगर पूछ लिया ना ऐसी तैसी कर देगा। उत्तर पूछो, उत्तर से दक्षिण पूछा, उत्तर से दक्षिण का क्रम बताओ, ज्यादातर पूछो पश्चिम से ना पूर्व की तरफ क्रम बताना, बता देंगे भी, घबराओ मत भी आगस भाई। ठीक, आज हम इतने रख रहे और अपनी कहानी कल वहां का बढ़ाएंगे, कलम उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के और नीचे पढ़ने वाले छोटे छोटे दर्रे ही पढ़ेंगे, भारत के अधिकांश दर्रे देख ही लेंगे। पहले से मैं आपको चाय बनाना चाहता हूँ, बना लो।